नवाज शरीफ वजीर आजम के अहदे के अहल नहीं। एक मिनट में 5 जनों ने साबित कर दिया। Consequently, the motion is adopted. Stand part of the bill. जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ बिला मुकाबला सदर मुंतखब किए गए। पाकिस्तान की सियासी तारीख अदलिया और सियासी जमातों के महादाराई से भरी हुई है। मैं उस तूल तवील तारीख में नहीं जाऊंगा कि अब तो हमारे मुस्लिम लीग नून के सरबरा मियां नवाज शरीफ, 3 बार वजीर आलम होने वाले नवाज शरीफ भी मौलवी तमीदुद्दीन खान केस का हवाला देने लगे हैं। हालांकि बदकिस्मती से खुद उनके दौर में जब सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ और हमला करने वाले मुस्लिम लीगियों का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर वो तारीख नहीं दोहराई जाती, और उससे पहले अगर मैं कहूं कि भुट्टो साहब के जुडिशल मर्डर की तारीख नहीं दोहराई जाती, जिस पर तमाम अपोजिशन सियासी जमातों ने मिलकर मिठाइयां बांटी, तालियां बजाई और फिर एक तवील, जैसे मैंने कहा, तारीख है। ज्यादा तफसील में जाए बगैर अगर मैं आज की सूरत हाल को देखूं तो ये दो पार्टियों के दरमियान महादराई नहीं है, ना ये सियासी जमात के पिंडिया पारा से है। बदकिस्मती से ये लड़ाई है मुस्लिम लीग नून, जिसको हमेशा पास्ट में जुडिशरी से रिलीफ मिलता रहा। मियां साहब जब जब इब्तला के दौर में हुए, चाहे वो जेल गए, जलावतन हुए, उन्हें रिहाई इस जुडिशरी की वजह से मिली। और ये जो इस काबिल आज इलेक्शन के हुए हैं कि 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने, इसका सबब भी जुडिशरी थी। लेकिन अब जब मियां साहब को पनामा केस के सबब, जी हाँ, पनामा केस जिसको वो नहीं मानते, कहते हैं ओकामा के सबब, पनामा केस के सबब जब उन्हें जुडिशरी ने, यानी 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मुत्तफिका तौर पर ये कहा कि वो सादिक और अमीन होने नहीं रहे, ना अहल हो गए सियासत के लिए ताउम्र, बल्कि उनकी पूरी फैमिली हो गई, तो आपने देखा इस फैसले सुनने के बाद उन्होंने 4 दिन तक, जी हाँ, पूरे 4 दिन तक GT रोड पर आइन का सुप्रीम कोर्ट को रोंदा। और फिर यही नहीं, उनके बनाए हुए प्राइम मिनिस्टर मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी पार्लियामेंट में जब प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए तो उनके हाथों में नवाज शरीफ की तस्वीर थी और उन्होंने नाहल वजी आजम को कहा कि ये मेरा वजी आजम है। बात यहीं तक नहीं रहती, बल्कि फिर नाअहल वजीर आजम को एक आईनी तरमीम के जरिए पार्लियामेंट से, आपने देखा होगा कि जब अपोजिशन शोर मचा रही थी, अपोजिशन फाड़ रही थी उस एजेंडे को, तो मुस्लिम लीग ने अक्सरियत की बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ को पार्लियामेंट से का रास्ता साफ करने के लिए, नवाज शरीफ का रास्ता साफ करने के लिए पार्लियामेंट में एक तरमीम लेके आए। और फिर जी हां, मंगल के दिन मियां साहब को मुस्लिम लीगियों ने अपना सदर नामजद कर दिया। अब आपको इल्मी है कि जब मुस्लिम लीग नून का सदर वो होंगे और 2018 का इलेक्शन आएगा तो वो टिकट भी देंगे, वो बाद में काबीना भी मुंतखब करेंगे, बल्कि वजी आजम का चुनाव भी करेंगे। कहा तो ये जाता है कि कल जो मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया है, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लेकिन ये जो महादाराई की कैफियत है, खुदा ना करे, खुदा ना करे इसमें कोई हादसा और सानिया ना हो जाए। अब तक आपको इल्म है कि बहरहाल ये क्रेडिट जाएगा हमारे उन इदारों को, चाहे वो जो जनरल जियाउलक को या परवेज मुशर्रफ को लाते रहे, या उससे पहले अयूब खान को, कि उन्होंने तहम्मुल बर्दबारी का मुजाहरा करते हुए अदलिया पर और सियासी जमातों पर और पार्लियामेंट को छोड़ा है कि वो अपने सियासी फैसले खुद करें। लेकिन जो महादराई की कैफियत है उसमें मुझे तो, जैसे मैंने कहा, हादसा और सानिया होता नजर आ रहा है। मैंने सोचा कि जरा सिंध हाई कोर्ट में जाऊं और यहां के मुमताज लॉयड से मालूम करूं कि वो क्या कहते हैं कि बाला दस पार्लियामेंट है या अदलिया है या कोई तीसरी कुव्वत। आइए मेरे साथ चलिए। एक मिनट में 5 जजों ने साबित कर दिया। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ बिला मुकाबला सदर मुंतखब किए गए। आपको इल्म है कि इस वक्त ऐसा लगता है कि मैदान में 3 सियासी पार्टियां हैं, बल्कि 4 कह लें, लेकिन बदकिस्मती से अदलिया को एक पार्टी बना दिया गया है। और आप देख ही रहे हैं, बरसरार मुस्लिम लीग नून के सरबरा
मियां साहब जब ये कहते हैं कि उन्हें किसने निकाला, वो कि उनका टारगेट और निशाना अदलिया तो खैर होते ही हैं, लेकिन आपको इल्म है कि वो किसकी तरफ इशारा है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि ठीक है कि स्क्रीनों के सामने तो हमारे मुमताज कानूनदान, सियासतदान, दानिश्वर गुफ्तगू करते हैं, क्यों ना पाकिस्तान की बड़ी कदीम और बड़ी हाई कोर्ट, तो फिर इसकी आपके इसकी एक अलग तारीख है, तो उनके पेरेंट शाहबुद्दीन सिरकी साहब से मुलाकात की जाए। और इनके वालिद खुद बहुत पाए के वकील और एक्टिविस्ट थे, और इस बहाने जब मैंने ये देखा तो कैसे कैसे जीनियस नाबगाए रोजगार लोगों की तरफ नजर पड़ी, जो सिंध हाई कोर्ट बार को जिनको शर्फ हासिल रहा उसकी सरबराही का। ये तो फैल अली अब्दुलरहमान के साहब, लारी साहब हैं, रियाज अहमद साहब, अच्छा लारी साहब भी, जी जी ये भी हैं। उसके बाद हम तो इनको रिकग्नाइज करते हैं, इनकी खिदमात जो है शरफ फरीदी मरहूम की, इन्होंने जितना काम किया हमारी सिंध हाई कोर्ट बार के लिए, आज भी जो हमारी सोसाइटी है इन्हीं की मरहून मिल्लत है और इन्हीं के नाम से मंसूब है गुलशन शरफ फरीदी, और उसमें वकीलों की वेलफेयर के लिए उनके लिए प्लॉट है। बाकी भी आप देखें, खालिद इसहाक साहब भी रह चुके हैं, मोहम्मद अली सईद साहब रह चुके हैं, अजीज शेख साहब हमारे बड़े शेख साहब, बड़े अच्छा पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, लेकिन क्योंकि मोहब्बत थी उनकी नैप में, बरसों जेल काटी उन्होंने, मैं मिलने जाता था हैदराबाद जेल में उनसे। जी 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 जी। फिर हमारे बैरिस्टर सैयद समी अहमद साहब हैं, जस्टिस निजाम साहब हैं, सैयद नासिरुद्दीन साहब हैं, ये सारे इनके जतोई साहब हैं। उस तरफ भी एक नजर दौड़ा लें, क्योंकि कहां मौका ऐसा मिलता है कि अब तो खैर बहुत सारे लोग तो हमारे साथ के हैं, रशीद रिजवी को भी मैं देख रहा हूं पहले बार रहे, या अख्तर हुसैन एडवोकेट, लेकिन वो जो उधर अच्छा अब्दुल हफीज लाखो साहब, अब्दुल हफीज लाखो साहब रहे 2003-04 में, उस पार्टी के इब्तला के दौर में लाखो साहब ने बड़ा डट के मुकाबला किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनवर मंसूर खान साहब रहे हैं, मुस्तफा लखानी साहब, जेड के जतोई साहब, आबिद जुबैरी साहब, और ये सारे पाए के जो है। आपने देखा कि इस बहाने मुझे ये मौका मिल गया कि कैसे कैसे मैंने कहा कि जैसे नाबगाए रोजगार जीनियस वकील, फिर बार के प्रेजिडेंट हुए, और उसके बाद वो जजिस के मनसब पे बैठे, और इनके किसी के दादा थे तो अब उनके साहबजादे और फिर उनके पोते और नवासे बड़े बड़े ओहदों पर हैं, और जैसे मैंने कहा सरकी साहब खुद भी हैं। थोड़ा सा मालूम किया जाए आपसे, जुडिशरी को क्यों एक पार्टी सी बनती नजर आ रही है? देखें, इसमें कसूर जो है मैं तो बोलूंगा कि मुस्लिम लीग वालों का है, उनको ये नहीं करना चाहिए। वो जुडिशरी को वो खुद सबमिट करते हैं कि हम इनकी जुरिस्डिक्शन को मानते हैं, और उनके सामने खुद जाते हैं और मतलब के फैसले नहीं आए तो फिर ये तोहमत होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज इन बैड टेस्ट। लेकिन अगर इस वक्त तो एक बड़ा नाजुक मसला आ गया है, मसलन जुडिशरी ने नवाज शरीफ साहब को मुत्तफ़िका फैसले के तहत निकाला, और फिर नवाज शरीफ साहब को कल जो है आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून ने अपना सदर नामजद किया। अब यही सदर यानी मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ साहब रुकन असेंबली नहीं हो सकते, मिनिस्टर नहीं हो सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, लेकिन जब ये प्रेसिडेंट बनेंगे मुस्लिम लीग के तो फिर यकीनन वो जो है वो रुकन टिकट भी देंगे वो तो, और इस फैसले को कहा जाएगा चैलेंज भी किया जाएगा। चैलेंज जहां तक मेरी मालूमात है ये चैलेंज हुआ है ये फैसला, और मैं समझता हूं कि ये जो इन्होंने किया है, इन्होंने सियासी बसीरत का मुजाहरा नहीं किया, इन्होंने अपनी फैमिली को और इंडिविजुअल को जो है अपने मुल्क से ज्यादा प्रायोरिटी दी है, जो कि मैं समझता हूं नामुनासिब है। इनके मुशीर होने चाहिए थे जो इनको एडवाइस करते हैं कि ऐसा आप ना करें, इसमें ज्यादा इज्जत होती उनकी, लेकिन अब उन्होंने फैसला कर लिया है, चैलेंज भी हो गया है, इस पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, और देखें अब कोर्टें क्या फैसला करती हैं। इसमें एक बुनियादी सवाल है, मतलब अब जैसे इसके बावजूद कि उन्होंने पार्लियामेंट के जरिए एक अमेंडमेंट लाए, और मुझे ये कहा गया कि मैं तो इतना तालिब इल्म में हूं कि आइन की जो 120 की जो इश्क 3 है वो इस पर खामोश है, कि क्या पार्टीज के कवानीन में तरमीम ला सकती है पार्लियामेंट? उसे अगर चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक बार फिर नाहल करार दे दिया गया कि नहीं वो मुस्लिम लीग नून के सदर नहीं हो सकते, फिर एक और डेडलॉक पैदा हो जाएगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर कामयाब होते हैं लोग जो ले जाने में, तो कोर्ट ज्यादा में ज्यादा यही डिक्लेयर करेगी कि ये जो है ये शिक खत्म की जाए, इनका इन पर्सन तो इनका नहीं करेगी, शिक खत्म कर देगी, तो उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस होता है वो फिर होगा। लेकिन एक कंफ्रंटेशन की सूरत हाल तो हो गई है ना, नू मुस्लिम लीग नून तो और पैदा की है, इन्होंने खुद पैदा की है, अदलिया ने तो नहीं पैदा की। और ये तो मैं हमारी जो माजी की तारीख भरी पड़ी है, अगर इस तरह की सूरत हाल होती सज्जाद अली शाह साहब वाली और उसकी पारी, तो लोग बूटों की चापें सुनने लगते हैं। खुशाइन बात ये नहीं है कि अभी तक जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं वो चाहे कोर्टों में हो या सड़कों पे हो या ऐवान-ए-इख्तियार में हो,
वहीं तक है, अभी तक बूटों वाले नहीं आ रहे, वरना नहीं आना चाहिए। अदलिया का फैसला होना चाहिए और अदलिया का एहतराम सबको करना चाहिए। हम इतने केस नामवर वकील हैं, वो लड़ते हैं केस, कब कुछ हारते हैं कुछ जीतते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जब आप केस हारे तब आप अदलिया को बुरा भला कहना शुरू कर दें, ये तो कोई तरीका नहीं है। सुर्खी साहब इजाजत है तो मैं दो चार लोगों से आपके सीनियर की बात कर दूं। थैंक यू सो मच। नवाज शरीफ वजीर आजम के अहदे के अहल नहीं। एक मिनट में 5 जजों ने साबित कर दिया। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ बिला मुकाबला सदर मुंतखब किए गए। मैंने आपके सिंध हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट से पूछ रहा था जी कि एक नई सूरत हाल आई है। पहले ही जब हमने पास में देखा कि ऐसी कन्फर्टेशन होती थी तो बड़ा आसान होता था कि थर्ड फोर्स यानी आ जाती थी वोटों की चापें। अब जो है मैं उनसे ये भी कह रहा था कि जिन साहब को यानी वजीर आजम को नाहल करार दे दिया गया है उसमें पार्लियामेंट ने एक तरमीम लाई और उनको मुस्लिम लीग का सदर बना दिया, वही लोगों को अब टिकट भी देंगे और वही वजीर भी देंगे, तो फिर ये इसका पूरा फैसले का मजाक नहीं उड़ गया? मैं समझता हूं कि हमें फैसले भी बहुत सारे सियासत सभा को मद्देनजर रख के करने चाहिए। हमारी अपेक्स कोर्ट को भी फैसले इस तरीके से कोई यानी जिसकी वजह से कंट्रावर्शियल हो जाए हमारा डिसीजन, ऐसे नहीं करने चाहिए, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो अमेंडमेंट आई है तो उस मैंडेट का हमें एहतराम करना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी ने मुकर कर दिए हैं, जो कोई अपॉइंटमेंट हुई है, दे हैव देयर मैंडेट, तो हमें उस मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। नहीं, लेकिन जब पार्लियामेंट में जो कोई कंट्रोवर्शियल इशू आता है तो आइन तो ये कहता है ना कि फिर आप रुजू तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे ना। फिर फैसला अक्सरियत का होता है, अगर फैसला अक्सरियत का हो गया है, वैसे तो चैलेंज आप किसको जिसको चाहें आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, किसी वजाहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही करती है, तो उसके लिए कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये है कि जो जब तक पास किया हुआ है, जब तक कि आप उसको चैलेंज नहीं करते, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से अगेंस्ट कोई फैसला नहीं देती, तो उस पर आपको मनमानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें ये आप कहते हैं ताकत का सरचश्मा आवाम है, तो आवाम की पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट ने ये फैसला किया ना कि ये अमेंड जरूरी है और वो किसी को भी अपना प्राइम मिनिस्टर चुन सकते। अब ये इस वक्त जो सिचुएशन है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम और पार्लियामेंट के डिसीशंस को सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स ओबे करती हैं एट एनी हाउ। अब अगर पार्लियामेंट ने कोई भी, दोनों ऐवानों ने जो भी बिल पास किया है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए और उसको स्ट्रक डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चौधरी इफ्तिखार जो ट्रिपल पीसीओ जज था पाकिस्तान का, और उसको वो उसी पार्लियामेंट के एक इश्यू को बना के बैठा रहा इतने साल कि मुझे पार्लियामेंट ने लीगलाइज किया है, तो पार्लियामेंट ने लीगलाइज किया है, तो उस वक्त ये सिचुएशन को ये एक्सप्लॉइट करता रहा। अब जब पार्लियामेंट ने लीगलाइज किया चौधरी इफ्तिखार को, तो फिर अदलिया पर सुप्रीम जो है, अदलिया पर जो कानून होते हैं इंप्लीमेंट, वो पार्लियामेंट के थ्रू होते हैं। आइन भी पार्लियामेंट बनाया है। अब ये नहीं हो सकता कि अदलिया के पास दूसरा आइन हो और पार्लियामेंट के पास दूसरा आइन हो, दोनों के पास 73 का आइन है। चौधरी जैसे काम नहीं होने चाहिए, जो चौधरी ने अपना आइन बना के रखा हुआ था इफ्तिखार चौधरी का आइन, और दूसरी तरफ 73 का आइन। 2009 में जजों को निकालना चाहिए था, चौधरी ने अपना आइन इफ्तिखार चौधरी का निकाल के 104 जजों को फारिग कर दिया इसने। तो मैं आप तक एक मिनट और पूछ लू, ये वैसे हल नहीं हुआ है मसला इसके। मैंने कहा ना कि जो 73 का आइन भी एक लिहाज से नामुकम्मल है, कहीं आइन जो है मसलन अगर ये कहते हैं पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट ही आइन में तरमीम करे। अब इसको जब चैलेंज किया गया और जो एक लगता है मूड, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि मियां साहब अगर आप रुकन असेंबली बनने के लिए नाहल हैं, अगर आप सादिक और अमीन नहीं रहे, तो आप एक पार्टी के सरबरा कैसे बन जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट अगर ये मरहला आ गया फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट तो मतलब इस किस्म के डिसीजन जब से मुल्क बना है तो आइन की सुपरमेसी तो रही नहीं है। यहाँ पर पार्लियामेंट यूनानिमसली जब डिसीजन लेती है, फर्ज करो कि 50s में यानी वन यूनिट के अगेंस्ट यूनानिमसली डिसीजन लिया गया कि वन यूनिट मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, तो उस पर इंप्लीमेंट करने के बजाय उस पार्लियामेंट को ही खत्म कर दिया गया और मार्शल लगा दिया गया, और यही सिलसिला हमारे साथ चलता आ रहा है। तो इस हवाले से अभी भी हमें
नजर में रखना चाहिए कि हमें सिंगल आउट नहीं करना, हमें अपेक्स कोर्ट को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम ये डिक्लेयर ना करें कि सिसली के माफिया एक ही आदमी है या गॉड फादर है, इस किस्म की लैंग्वेज हमें एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। बड़े सीनियर हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी, मैं अब तक मेरा नाम अब्दुल वहाब बलोच है, मैं जो हूँ चेयरमैन हूँ एग्जीक्यूटिव कमेटी सिंध बार काउंसिल का। देखें, आइन में अमेंडमेंट आइन में होनी चाहिए, दो सिक्के हैं आइन में 62 और 63, जहाँ जब तक ये अमेंडमेंट नहीं होती तो ये जो अभी जो इन्होंने इलेक्शन लॉज में अमेंडमेंट हुई है तो ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, ये अगेंस्ट द लॉ है। ये जो अमेंडमेंट है ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो वायरीज हैं उसके अगेंस्ट है, क्योंकि 62 में इन्होंने तो अमेंडमेंट लाई नहीं है, 63 में इन्होंने अमेंडमेंट लाई नहीं है, ये इन्होंने इलेक्शन लॉज में अमेंडमेंट ला करके उसी को ओवरराइड कर। तो फौजी हुक्मरानों ने किया था ना, जनरल जियाउल हक ने, जनरल मुशर्रफ ने ये करा था ना कि वो चाहते थे कि पॉलिटिशियंस को, जैसे बेनजीर भुट्टो साहब को गालिबन सियासत से बाहर रखना चाहते थे या बाद में नवाज शरीफ, तो उन्होंने ये एक अमेंडमेंट लिया कि तीसरी बार सदर नहीं बन सकता या अभी जर्मनी में चौथी बार प्राइम। इसी कॉन्स्टिट्यूशन पर हम बिलीव कर रहे हैं ना, इसी पार्लियामेंट की हम फेवर कर रहे हैं ना, इस टाइम हम खड़े होकर के पार्लियामेंट जो सही कर रहा है वहां पर भी तो ये अमेंडमेंट लाई और इसको एंडोर्स पार्लियामेंट ने किया, ये शिक है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से इसमें आप अमेंडमेंट लाएंगे, आप जेली कानून के तहत ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन जो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है आप उसी को जेली कानून के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट नहीं कर सकते जब तक आप 62 में अमेंडमेंट नहीं ला रहे। ये 62 में अमेंडमेंट नहीं लाए तो अभी तक ये डिस्क्वालीफाई है, एज एट डिस्क्वालीफाई रहेंगे। जहां तक इफ्तिखार चौधरी की बात की गई, इफ्तिखार चौधरी वो वाहिद बंदे थे जिसने पाकिस्तान में ये कहा कि एक डिक्टेटर के खिलाफ निकल पड़ा, जिसके बेसिस पर पीपुल्स पार्टी हो, नून लीग हो और पार्टियां जो आज इकतदार में बैठी हुई हैं इसी वजह से बैठी हुई हैं कि उसको इन्होंने ये उसी मूव में शामिल हो गए, ये वकला लीगल फ्रेटर्निटी को ये जाता है सारा क्रेडिट के, उन्होंने इस चीज को लीड किया, इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी थी, इनके पास अपना विजडम नहीं था। जहां तक इफ्तिखार चौधरी ने इतने अच्छे अच्छे फैसले दिए, अभी भी देखें अभी क्या हो रहा है, अभी यही पार्टी सेम है, इसी ने ही सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, आज फिर सुप्रीम कोर्ट और इदारों के सामने। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मैं इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट पे खड़ा हूं और दोनों जमातों की तरफ से वकील और इस्तगासा और सफाई के वकील जाहिर हो रहे हैं, तो अब इन्होंने जब आइन सुप्रीम है और पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, पार्लियामेंट बनाती है आइन को और कोई अदालतें नहीं बनाती, अदालतें पार्लियामेंट के आइन के बने हुए पर अमल करती है। मेरी इसमें गुजारिश ये है कि जो भी नवाज शरीफ ने, जो भी मुशर्रफ ने जितने कवानीन को अमेंड किया है उसको रिविजिट करें, मुशर्रफ के कवानीन को रिविजिट करें, जियाउल हक के कवानीन को रिविजिट करें। जियाउल हक के दौर में इस मुल्क का अजीम लीडर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद हुआ और मुशर्रफ रिविजिट कौन करे, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट? पार्लियामेंट करे, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है रिविजिट करना, सुप्रीम कोर्ट के जज सहारा लेते हैं पार्लियामेंट का कि हमें लीगलाइज किया गया है। ट्रिपल पीसीओ जज अपने आप को पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन को सहारा लेके अपने आप को वैलिडेट करते हैं। अब जो क्वेश्चन ऑफ लॉ इस वक्त है कि इन दोनों को इस वक्त पार्लियामेंट रिविजिट करे और उनको स्ट्रक डाउन कर दे, जो भी ऐसे कवानीन है जो मुतसादम है, जो मुशर्रफ ने या जियाउल हक ने अपने मफाद के लिए बनाए हैं। हम किसी सूरत में आइन की बालादस्ती चाहते हैं और आइन की बालादस्ती पार्लियामेंट के थ्रू होगी और पार्लियामेंट के थ्रू अदलिया के तहत नहीं, अदलिया उसको ज्यादा में ज्यादा उसको उस पर अपनी राय दे सकती है कि ये कानून सही है या नहीं है, लेकिन जो पार्लियामेंट मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान के पूरे मुल्क के अवाम मुंतखब करके किस लिए भेजता है, लेजिस्लेटिव करने के लिए। नवाज शरीफ वजीर आजम के अहदे के अहल नहीं। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ बिला मुकाबला सदर मुंतखब किए गए। हकीकी मानों में नवाज शरीफ तो बेचारा ये अभी तक कह रहा है मुझे निकाला किसने, सवाल तो ये वाला है। मुजाहिद साहब, आम तरह से तो ये बड़ा पॉपुलर स्लोगन है कि यहाँ पर ताकत का सरचश्मा आवाम है, लेकिन आज तक जब से मुल्क बना है ये साबित हुआ है कि यहाँ पर किसी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई अहमियत नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल 6 भी कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाता है, लेकिन ताकत का सरचश्मा कोई और है, और यहां पर भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज
यहाँ से मैंडेट एक चीज का लेते हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम इलेक्शन प्रोग्राम फर्स्ट क्लास दे के फिर अपना मैंडेट जाके इस्लामाबाद में किसी के बूटों के तले रख देते। तो ताकत का सर चश्मा, जिसके पास ताकत है वो आर्टिकल 6 आपने रखा, जो वायोलेशन करेगा उसको जो हैंग किया जाएगा, लेकिन ताकत वाले आ जाते हैं तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंक देते हैं और आर्टिकल 6 रखने वाले को उठा के हैंग कर देते हैं। एक लाइन में आखिर मैं आपसे पूछ लूं कि इस वक्त जो है ये जो एक नया सवाल दोबारा उठा है कि बालादस्त अदलिया है या पार्लियामेंट है, और आइन इस सिलसिले में कहीं ना कहीं इसमें का क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लुकामा हम लोग उर्दू में करते हैं ना, कि नुक्स है कहीं ना कहीं, यानी इसीलिए पार्लियामेंट है, यहाँ पर ताकत का सर चश्मा कोई और है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है, आप सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सुप्रीम कोर्ट काम करती है, जिस शिक के तहत काम करती है वो सुपरवाइजरी भी है, और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करती है, लेकिन उसके पास वो ज्यूरिडिक्शन दी हुई है, आपने ज्यूरिडिक्शन दी है उसको, उन्होंने माना है कि आप अमेंडमेंट करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास इंटरप्रिटेशन के ड्यूरिडिक्शन है, वो फैसला कर सकती है जो उसको मर्जी। आखिरी जी, अब मेरी ये समीशन है कि जब तक आइन में 184 सबसेक्शन 3 में अमेंडमेंट करे नवाज शरीफ और उसकी जो इस वक्त अक्सरियती जमात है या पार्लियामेंटेरियन है उसको अपील में ले जाएं, और जब तक अपील का फोरम, इसका अपील का फोरम है नहीं, जहां जो फैसला हो गया, जो नाहल हो गया, खत्म हो गया और उसको घर भेज दिया, वो उसके बाद कोई फोरम नहीं है, ये फोरम सबसिक्वेंट चाहिए, अपीलेट फोरम। आपने मैंने देखा कि जो सारे मुल्क में सड़कों पे, मोहल्लों में, दफ्तरों में, टेलीविजन पे गुफ्तगू हो रही है, मैंने सोचा कि सिंध की सबसे बड़ी बार के सीनियर तरीन वकला से रुजू किया जाए, लेकिन इसमें भी बड़ा एक पोलराइजेशन है, यानी खाली आवाम में नहीं है, हर सतह पर यह पाया जाता है, और इसीलिए शायद गालिबन बहरहाल क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का होलिया माफ कीजिएगा बिगड़ना 73 से शुरू हो गया था, 73 से, यानी हमारे जो भुट्टो साहब ने खालिद जो थे 8 घंटे के बाद ही भुट्टो साहब ने इमरजेंसी नाफिज करके, तो जैसे मुअत्तल कर दिया। 21 या 22 तरमीमें आ चुकी हैं उसमें, तरमीम आना अच्छी कोई हरज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि गालिबन ये जो आज नवाज शरीफ साहब इलेक्ट हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं हजारों लोगों ने इलेक्ट किया है, करोड़ों वोट देने वालों ने इलेक्ट किया है, इसको चैलेंज कर दिया गया है, ये गुफ्तगू अगर मैं इन वकला के दरमियान खड़ा रहूंगा तो पूरा वक्त यहां गुजर जाएगा, माशाल्लाह इनका तो काम ही है। थैंक यू जनाब। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ बिला मुकाबला सदर मुंतखब किए गए। आपने देखा कि कितने सीनियर हमारे सीजनड लॉयर्स जो है इस वक्त मुल्की सियासत पर उनकी गहरी नजर है, और वो जो मैंने सवाल उठाया है और एक बार फिर आ गया है कि बालादस्त कौन है, पार्लियामेंट या अदलिया, आइन की जो तरामीम लेके आए हैं हमारे मुस्लिम लीग नून वाले और जिसके जरिए उन्होंने सदर बनाया है, वही तरामीम वो कह सकते हैं कि जनाब उसको चैलेंज अब सुप्रीम कोर्ट में भी किया जाएगा। तो अब ये जो सवाल एक बार दोबारा उठा है, कल तो मियां साहब ने और उनके हामियों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, उन्होंने कोई करप्शन भी नहीं किया, और उन्होंने कहा जनाब मुझे तो अकामा पे निकाला गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों निकाल दिया, नाम लिए बगैर बराह रास्त वो बहरहाल आपको इल्म है उन्होंने 4 दिन तक भी करा और आज भी। जी देखें, इसमें जहां तक बालादस्ती की बात है, बहरहाल वो किसी भी सूरत में कानून की या जुडिशरी की ही रहती है जी, और रहनी भी चाहिए, एज अगर हमें इस मुल्क को अच्छे से और तरीके से चलाना है तो जो बालादस्ती है वो कानून की होनी चाहिए, और कानून की होनी चाहिए, और आवाम की बालादस्ती, कानून आवाम का रखवाला है, कानून आवाम को देखता है, कानून आवाम के सेफ गार्ड्स के लिए हर वो काम करता है जो आवाम के लिए जरूरी है। तो मेरा ख्याल है कि जी बालादस्ती कानून की होनी चाहिए, और अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को या किसी को भी कानून ने किसी तौर से नहीं समझा कि सादिक या अमीन है तो उसको उसके फैसले को मानना चाहिए, और इस अदालत से जो कन्फ्रंटेशन है इससे बचना चाहिए, और अपने इदारों को मजबूत करना चाहिए, ना कि उनको कमजोर करें किसी भी तरह। कल जो फैसला हुआ मुस्लिम लीग के इजलास में कि उन्होंने, जिसने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि वो नाहल नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं वो एक शहरी की हैसियत से एक पार्टी का सरबरा हो सकते हैं, लेकिन यह पार्टी का सरबरा टिकट भी देगा कौमी असेंबली को, अरकान को, तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसमें कोई इस तरह इंटरफेरेंस नहीं करेगा फिलहाल मेरे हिसाब से, जो मेरा अंदाज़ा है कि उनका ट्रायल फेस करना है तो नैब में वो ट्रायल फेस कर रहे हैं,
और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है वो अपनी जगह इम्प्लीमेंट होगी और नैब उनका ट्रायल करेगा और उनको ट्रायल करेगा। नैब ने उन्हें सजा दे दी बिल्कुल, उसको भी वो चैलेंज कहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त तो ये है कि उन्होंने ये तारुफ साबित कर दिया कि जनाब हम अपनी पार्टी के जरिए और हमारे हामी और 200 अरकान असेंबली ये समझते हैं कि जनाब मियाँ साहब जो हैं वो उनकी नाअहली गलत है। नहीं देखिए, नाअहली गलत या सही इसका अंदाज़ा लगाने वाला पार्लियामेंट भी मतलब किसी सूरत मिजाज नहीं हो सकता। जो नाअहली का अंदाज़ा है वो अदालत ने उन एविडेंस पे या उन सबूतों पे लगाया जो उसके सामने आए। अब उसमें क्या चीज़ ज़रूरी थी और क्या नहीं, वो अदालत ने अपने फैसले में बड़ा उसको डीपली एक्सप्लेन किया है। तो मेरा ये ख्याल है कि जी वो अदालत के इस फैसले को इस तरह से अपनी जोर जबरदस्ती से या अपनी पार्टी को एक जगह जमा करके चैलेंज करना या उससे किसी भी किस्म का टकराव लेना ये मुनासिब नहीं है। और जहां तक के इस बात का ताल्लुक है कि उनकी पार्टी ने किस तरह उनको वो किया है, अब ये तो उनका अंदरूनी पार्टी मामला है। ये कहां तक जाएगा मामला, कहां तक करेगा ये वो फिर पार्लियामेंट के पास जाएंगे, वो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, कहां तक ये जाकर मामला रुकेगा? ये कन्फ्रंटेशन तो इस तरह तो ये नहीं होनी चाहिए। आई थिंक एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए आई थिंक मुल्क की बेहतरी के लिए, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, रूल ऑफ लॉ के, कॉमन पीपल, इन लोगों को इस चीज से इज्तनाब करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। टकराव से कोई फायदा किसी को भी नहीं होगा, ये मुल्क कमजोर होगा। इस मुल्क को कमजोर होने से ये पॉलिटिकल पार्टीज ही बचा सकती हैं, जिसके लिए वो कम सोच रही हैं। मेरा ख्याल है वो उन्होंने अब तक कोई उस पर सही तरह से कोई एक्ट नहीं किया जिससे ये साबित हो सके कि वो लोग दे आर थिंकिंग ऑफ दिस पाकिस्तान जिसने उनको कोई पहचान या शनाख्त दी है। मैं सॉरी चुने आप जैसे बाहरी कानून के सामने सही है, और ये ऐसे ही है कि आखिरी फैसला जो है वो अदालत का या जुडिशरी का माना जाएगा, जो इस आइन को बचाने के लिए जाहिरी तौर पर और हकीकी तौर पर है कि वो इस आइन को, इस मुल्क के आइन को बचाना चाहते हैं और जो इस मुल्क के लिए और इस आवाम के लिए बहुत बेहतर और बहुत अच्छा है। ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ बिला मुकाबला सदर मुंतखब किए गए। जी मैं यहां से निकल ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि जिस पाए के माहिर कानून हैं और वो तो आप दलीलें देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में होती हैं, जो सिंध हाई कोर्ट में हो रहे हैं। हमारे साथी इसाक ने तालिब इल्मी के जमाने से बड़ी स्ट्रगल करी और हमेशा एक ऐसी पार्टी को के साथ हो जाते हैं जो इन्हें थाना कचहरी जेल देखती है। पीपल्स पार्टी के अच्छे दौर में रहे, नहीं बुरे दौर में रहे, अच्छा दौर आया छोड़ गए और अब जो है वो लंदन वालों के रास्ते में आजकल आ गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको मेन स्ट्रीम में लाएं। जिस तरीके से आप, वैसे एक बात है कि अभी जैसे लाहौर में मिल्ली मुस्लिम लीग के नाम से आई है, अगर एक्सट्रीम तंजीमें हैं और अगर बाहर के लोग हैं और अगर वो मेन स्ट्रीम में है तो अच्छी बात है। साथ ही साथ इस वक्त जो बुनियादी सवाल है, और शाकिर भाई हमारे बड़े पुराने एक्टिविस्ट रहे पीपल्स पार्टी के, और खालिद भाई, शाकिर भाई ये एक सवाल आ गया कि कल मुस्लिम लीग नून ने, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया था, कहा था ये न सादिक है न अमीन है, हजारों लोगों ने ये खड़े होकर कहा कि जनाब वो मुस्लिम लीग के सदर हैं और इस तरह उन्होंने कहा कि जनाब क्योंकि अवाम ताकत का सरचश्मा है, अवाम फैसला करेंगे ना, तो पार्लियामेंट ने तरमीम ला के कहा नहीं मियाँ साहब हो सकते हैं। अब मियाँ साहब जो है लोगों को टिकट भी देंगे असेंबली का 2018 में, आप क्या कहते हैं? देखिए पार्लियामेंट का आईनी हक है कि कोई भी अमेंडमेंट करे, लेकिन कानून में अमेंडमेंट के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली के लिए कुछ नॉर्म्स हैं डेमोक्रेटिक, पर्सन स्पेसिफिक कोई भी अमेंडमेंट अगर पार्लियामेंट मंजूर करे या पार्लियामेंट एक शख्स की ख्वाहिशात के ताबे होकर फैसले करे तो उसे अवाम की नुमाइंदा नहीं कहा जा सकता। फिर अगर आप गवर्नमेंट खुद स्टेट इंस्टीट्यूशन को चैलेंज करने लगे तो आप मुझे बताएं कि स्टेट जो है वो किन पिलरों पे खड़ी होगी। नवाज शरीफ का अपने इदारों से ऐलान जंग करना, मुस्लिम लीग के वज़रा का अदलिया और दीगर इंस्टीट्यूशंस पे तनकीद करना, ये तो एक तमाशा है। ये जमहूरियत के नाम पे अगर तमाशा लोगों को दिखाना है
लोगों के मसाइल हल करने के बजाय लोगों के हक में कानून साजी के बजाय अगर आप अपनी सियासी मफादात के खातिर आप कानून साजी करेंगे तो फिर इस मुल्क में न जमहूरियत रहेगी न सिस्टम रहेगा। सर, कोई भी कानून इस तरह का पास नहीं किया जा सकता हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो कि अगेंस्ट द प्रीएम्बल हो और आइन किस से मुतसादिम हो। आइन स्पेसिफिक कानून बनाने की इजाजत नहीं देता। आइन ये कहता है कि आप अवाम की वेलफेयर के लिए, इक्वलिटी के लिए, इंसाफ की, हर आदमी को फरहमी के लिए कानून साजी करें। आप कानून साजी अगर इस तरह की करेंगे कि मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने आप को प्रपोज करता हूं, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने आप को अप्रूव करता हूं, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही पार्टी का हेड हूं, मेरे मुकाबले में कोई नहीं है और मैं ही पार्टी का सदर हूं, इसको अच्छी रिवायत नहीं समझ पास में। जैसे प्रॉब्लम ये है अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्टों की अदलिया की तारीख मिसाली होती तो ये सवाल नहीं उठता। लोगों के जहनों में ये भी आता है ना, चले आज नवाज शरीफ का सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल हमारे साथी साथ की पार्टी उठाती थी तमीजुद्दीन से लेकर जस्टिस अनवारुल हक तक। आज क्यों जुडिशल भुट्टो साहब के जुडिशल मर्डर को जो है कोई मिसालिया नहीं बनाया जाता। फिर बाद में जो आप लोग जो सुप्रीम कोर्टों के खासतौर पर चौधरियों को आप लोग अपने कंधों पर लेकर आए, फिर अब आज लोग कहते हैं जनाब हमने बड़ा आपके मेरे जो लीडर हैं इत्तेदाद हसन और मुनीर मलिक और अली अहमद कुर्द और पता नहीं आसमा कहते हैं जी बड़ा गलती हमने की जुडिशरी का। तो प्रॉब्लम ये भी तो है ना साथी साहब कि अगर जुडिशरी की पूरी हिस्ट्री सी होती, एक बेचारे मुझे याद आ रहा है वो भी अगर जस्टिस मुनीर से भी इख्तलाफ करने वाला वो बेचारे वो माइनॉरिटी के थे जस्टिस की काउ से काल में है ना, या फिर हमारे जस्टिस दुराब पटेल। देखिए बात जो है मेरे ख्याल शाकिर भाई ने बड़ी जबरदस्त कही है कि पार्लियामेंट को अख्तियार तो हासिल है और बालादस्ती भी हासिल, लेकिन क्योंकि जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट का अपना पिछला भी रवैया रहा है उस रवैये में अब दोनों पार्टी आगे खड़ी हो गई सामने, अब वो उनको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और वो नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो नवाज शरीफ का जो इकदाम है वो अपनी जाती हैसियत के लिए है, अवाम की फलाह के लिए, और जब भी कोई मसाइल पैदा हुए पाकिस्तान में सिर्फ लोगों ने अपने मसाइल के हल के लिए अमेंडमेंट किए, लेकिन अवाम की फलाह पे उसके लिए कभी भी कोई अमेंडमेंट आज तक ना पार्लियामेंट में आई है ना सुप्रीम कोर्ट। सॉरी एक बात है, आप लोगों ने एक जमाने में बड़ी गलती करी हमारे, जब आप जो कह रहे हैं ना कि जुडिशरी को प्रोवोक किया, बेचारे सज्जाद अली शाह को तो घसीटते हुए बाहर ले गए थे, उसने करामत साहब जनरल करामत साहब से कहा मुझे बचाओ, मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, लगारी साहब को बचाने वाला नहीं था। सारा मसला ये है कि 70 साल का जो रोना रो रहे हैं ढोल बजा रहे हैं वो शरीक मुलजिम है, 30 साल से इख्तदार में है। अगर शरीक मुलजिम जो है वो शरीफ कह रहे हैं, शरीक कोई क्यों, वो शरीक भी कह ले शरीफ भी कह ले, वो कोई क्यों है, अगर वो ढोल बजाएगा बुराई के खिलाफ तो आप मुझे बताएं उसके ढोल में से आवाज कैसी निकलेगी। मेरा ख्याल भाई इन बुकला से कहां बहस की जा सकती, बात की सकती है, तो माशाल्लाह जिस तरह हम लोगों को स्क्रीन से पेट लगा हुआ है इनका, तो माशाल्लाह जबान ऐसी है कि ये कातिल को मजलूम, मजलूम को कातिल। लेकिन एक सवाल काफी लोग ये उठा रहे हैं अब कि जनाब हमारी जो आला अदलिया है वो ठीक है, उनके पास सिलेक्टिव केस आते हैं, लेकिन लाखों की तादाद में जो इस वक्त केसेस पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के सेशन कोर्टों में छोटों केसों में पड़े हैं, जनाब कोई तो उनकी मुद्दत मुकर्रर कर दें कि अगर वो केस किसी जज ने 2 साल नहीं चलाया, अगर उस वकील ने इस सिलसिले में एक खास मुद्दत तक ये इसका फैसला नहीं दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा जरूर दे कि ये जो लाखों मैंने ये देखा है कि इस वक्त अगर तादाद से ज्यादा लोग जेलों में पड़े हुए हैं, इनमें गालिबन 70% अंडर ट्रायल है, 80% ट्रायल है, ये भी एक मसला है, ये भी फॉल्ट सबका होता है, वकील का फॉल्ट भी होता है, कोर्टों का फॉल्ट नहीं है इसमें, ठीक आ जाएगा। सबसे बड़ा फॉल्ट आप खाली कोर्टों को मुरीद इल्जाम नहीं दे रहे, पुलिस का इसमें इस्तगासा का रोल है। पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट इस तरह की कानून साजी करे जिस तरह के मेरे साथी भाई ने कहा कि कॉमन मैन स्पेसिफिक अगर जो है वो लेजिस्लेशन हो, कॉमन आदमी को रिलीफ देने के लिए लेजिस्लेशन हो, आप ये कानून चाहें तो पास कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, तमाम पर वो बाइंडिंग होगी कि आपने फला केस का फैसला 2 साल में करना है, आपने फला केस का फैसला इतने में करना है, ये सब कुछ हो सकता है। अदालत आज खुद तारीख नहीं देती, लेकिन लोग डिले नहीं करती, लेकिन लेकिन सुप्रीम कोर्ट या कोई आला अदालत एक बात तो कहेगी ना कि भाई अब ये केस जो 7 साल या 9 साल या 11 साल तक चलता रहा
15 साल तक एक आदमी कातिल के इल्जाम में रहा। सिर्फ मेरा ये कहना है कि अशराफिया के केसेस जिस तरह चलते हैं, एक आम आदमी के केसेस भी डे बाई डे की बुनियाद पर चले और लाखों की तादाद में जो केसेस, तकरीबन कोई 33 लाख कहता है, कोई 35 लाख कहता है, जो केसेस पेंडिंग में पड़े हैं और पूरा पूरा घर तबाह हो जाता है। एक आदमी अगर जेल चला जाए, उसके बीवी बच्चे जो है ना पर क्या गुजरती है। तो मैं बसत एहतराम अपने सुप्रीम कोर्ट से भी कहूंगा और अपने यहां पार्लियामेंट से भी कहूंगा और हुक्मरानों से भी कहूंगा कि आज, या इसलिए मैं खासतौर पर कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो मुतबर सिंध हाई कोर्ट के मौजूद जजों के सामने खड़ा हूं कि पाकिस्तान का एक आम आदमी को सस्ता और फौरी इंसाफ नहीं मिल रहा जो कहा जाता है कि जो है वो एक आइन के तहत उसको मिलना चाहिए। नवाज शरीफ केस हो, डॉक्टर आसिम का केस हो, इमरान खान के केसेस हो, लोग देखते हैं रोज उनकी केसेस पे पेशियां हो रही हैं, फैसले हो रहे हैं, लेकिन लाखों लोग बाकायदा बसों में भर के लाए जाते हैं अदालतों में, बाद लोग वैसे ही चले जा सकते हैं। पुलिस का जो किरदार है उसके बारे में मैं क्या कहूं, वो जिस तरह केस बनाती है, केस बिगाड़ती है, ये पूरा सिस्टम माफिया जिस तरह चल रहा है, उस बारे में भी तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट सोचे, हुक्मरान तो शायद हमारे ना सोचें।